Good morning guys, day 4 in Chiang Mai। और आज हम कंफ्यूज हैं एक्चुअली क्या करना है। 2-3 एक्टिविटी हमारे पास बची हुई है और आज का दिन और कल का हाफ डे है। कल करीब 5 बजे के आसपास हमारी ट्रेन है बैंकॉक के लिए, जिसमें हम बैंकॉक ना जाके अयुथाया उतर जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, आज थोड़ा सस्ता मिल गया है। ये पूरा खाना और कॉफ़ी है 100 बात का। और जो हमारा डाउट था 3 चीज़ों का, तो दो इथेनॉन जो है नेशनल पार्क है वो अराउंड 2 घंटे दूर है यहाँ से जहाँ हम रह रहे हैं, वो साउथ ऑफ चियांग माई में। तो उसको करने के लिए पूरा दिन चाहिए और वो थोड़ा हाइकिंग टाइप का है। तो सेकंड ऑप्शन था एलिफेंट पार्क, वो हाफ डे और फुल डे दोनों होता है। हाफ डे मतलब 3-4-5 घंटे और फुल डे मतलब 8-9 घंटे। और जो थर्ड है जो यहाँ की लोकल साइट सीइंग है, जो टेम्पल्स है काफ़ी अच्छे, वो तो हमारे घर के आसपास ही है। तो मोस्टली हम इथेनॉन ड्रॉप करने का सोच रहे हैं और एलिफेंट और लोकल साइट सीइंग करेंगे। तो यही प्लान है। अभी आगे बुक करना है एलिफेंट पार्क, किससे करें किससे नहीं करें। फाइनलाइज़ कर लिया है कि हम कौन सी एलिफेंट सेंचुरी जा रहे हैं। तो हम मे रिम जा रहे हैं। एक्चुअली आप कभी भी एलिफेंट सेंचुरी जाने का सोचें, एलिफेंट पार्क विज़िट करने का सोचें, तो ये ज़रूर देखिए कि वो एलिफेंट सेंचुरी एथिकल है कि नहीं। क्योंकि कई जगह एलिफेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, फोर्स करते हैं उन पे बेयरबैक राइडिंग और उनको चेन करके रखते हैं। तो आप स्ट्रिक्टली चेक करिए कि वो नहीं होता हो उस सेंचुरी में। तो गाइस हम अभी निकल रहे हैं एलिफेंट पार्क के लिए। करीब रास्ता है 45 मिनट का। पहुंच चुके हैं एलिफेंट पार्क, एंट्री हो रही है। देखते हैं क्या लाइनअप है। So first guy, we have to get change our uniform first. हमने ये ड्रेस पहन लिया है। ब्रीफिंग हो गया है एलिफेंट के बारे में, क्या है इस पार्क का हिस्ट्री और वो सब। ये बैग है जिसमें हमको सामान लेना होता है। सामान नहीं, एलिफेंट्स को फीड करने के लिए फ्रूट्स लेना होता है, पंपकिन और बनाना। यस, also when you guys fill your bag guys, more and more food guys, more food more happy guys, more and more peace। Green one, no taste. अच्छा मीठा ही होगा बता। अभी हम जा रहे हैं ये बनाना पम्पकिन खिलाने हाथियों को। पूरा सामने देखो। ओके, ओ मल्टीपल सभी सब चाहिए उसको। ओह guy, don't worry. Yeah, you just an elephant here already? What? Hey. What? Oh. Why is it so sharp? Yeah. It's like a press for the elephant. It's like a press for the elephant. Okay, elephant can drink water. Guy, elephant can drink water. Yeah, check it out from the trunk. Inside here, big elephant bag can keep the water inside here, like a 10 to 14 liter in one tank. Oh. The trunk. And then, okay, pushing the mouth, spread the mouth. So, most people, guys, you may think like an elephant, they drink water through the trunk. No. Can we drink some beer or some water from the nose? Sometimes. खाना खिलाना हो गया, अब जा रहे हैं नहलाने। इतना क्लोज से देखने को मिला, आपको कुछ जानने को भी मिला। सोया हुआ है। मुँह खुला था क्या तेरा? तो गाइस हो गया नहलाना हाथियों को। काफ़ी सही था ये एक्टिविटी, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, मज़ेदार। आप भी नहा लो, तो पानी ओके है, क्लीन है, क्लीन नहीं है बट ठीक है। अभी शावर लेंगे तो वहाँ पूरा क्लीन हो जाएगा। अब डालेंगे इंग्रेडिएंट। तो गाइस आज का दिन हमारा जो एक्टिविटी था वो ख़त्म होता है और अभी करीबन कितने हुए हैं, 7:15 साढ़े 7 हुए हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं। 45 मिनट लगेगा पहुंचने में हमें हमारे गेस्ट हाउस। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। विजय क्या बोलते हैं? अच्छा था। अब आपको, आप इसको पैसे से कंपेयर करेंगे तो पता नहीं मुझे कितना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि 2,900 बात मतलब 3,000 बात गए, मतलब $100 मतलब 7,000 रुपये 2 लोगों के लिए लगे हैं। थोड़ा देखोगे तो महंगा लगेगा सुनने में, बट अच्छा एक्टिविटी था और कॉज अच्छा है। आप काइंड ऑफ डोनेशन कर रहे हो या किसी की रखवाली कर रहे हो या उस टाइप की चीज़ों के लिए एक सोशल वर्क काइंड ऑफ चीज़ें। सारे एलिफेंट्स थे ये रेस्क्यूड हैं बेसिकली। कुछ जो किसी कैप्टिविटी में थे उनको ये खरीद के लेके आते हैं, उनको खरीदना पड़ता है बेसिकली, और उनके रखरखाव में भी उनके काफ़ी पैसे लगते हैं। ओके, विदा।